अगर मैं स्कूल में टीचर हुआ होता ना तो ये सारे बच्चों को बुद्धि से पकड़ के बहुत मारता। एक बच्चे होते हैं जिनकी किस्मत फूटी होती है, जिनका नाम ए से होता है, और जिनके पास किस्मत ही नहीं होती उनका नाम डबल ए से होता है, जैसे आयान, आयुष, डबल ए। उनके पापा मम्मी बिल्कुल प्यार नहीं करते, रोल नंबर 1 हमेशा फिक्स है उनका, ठीक है। एग्जाम में सबसे पहली बेंच, भाई तुम्हारी आखिरी हो या ना हो, लेकिन उस बच्चे की फर्स्ट बेंच तो हमेशा पक्का होती है। उसके लिए सभी को संवेदनशील होना चाहिए, है ना? ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे तो कहते हैं काश हमारे पापा हमारा नाम जेड से रखे होते, मजा आता, हमेशा आखिरी में बैठे होते, है ना। मैं आपको नस से वाकिफ हूं आपकी, ठीक है, नस से, ठीक है। किस किस ने एग्जाम, जब स्कूल में एग्जाम होते हैं, जैसे आपको दे दिया कि आपका जो टेस्ट होगा उस वाली क्लास में होगा, 10th week की क्लास जो होती है उसमें होगा, जैसे, या 12th class का जो सी सेक्शन है उस वाले रूम में होगा, किस किस ने बेंचे काउंट करी है? बेंचे काउंट करी मतलब कि भाई रोल नंबर 10 to 33 क्लास 12th B में बैठेंगे, ठीक है। तो आपने देखा, अच्छा मेरा रोल नंबर 15 है, रूम में 5 desks हैं, यस आखिरी बेंच हमारी बनेगी, और भाई साहब पढ़ाई का लेवल खड़ाक से नीचे चला जाता है। किस किसने बेंचे गिनी है कि आप उस एग्जाम के दिन कौन सी बेंच पर बैठेंगे? ये सारे के सारे, देखो मैं कह रहा हूं ना, मुझे पूरा यकीन है आप पे, ठीक है, मुझे अपने अंटरपंटर पे पूरा यकीन है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रथा चला रहे हैं आगे, सबने बेंच गिनी है कि यार कल की एग्जाम में यार वहां पे तो 6 benches हैं और मेरा तो 7वां रोल नंबर पड़ेगा, अरे यार फर्स्ट बेंच पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए पढ़ने का मोटिवेशन ये नहीं कि अच्छे मार्क्स चाहिए, पढ़ने का मोटिवेशन ये है कि हमारी पहली बेंच पड़ जाएगी, वैसे फेल हो जाएगी, कुछ पढ़ के जाए, है ना। यहां पर अगर ये गेट है, यहां से 1 2 3 4 5 और हमारा 6ठा रोल नंबर पड़ रहा है, हमें यहां पर बैठना पड़ेगा, टीचर का टेबल यहां है, तो हम क्या करते थे एग्जाम हॉल में जाने से पहले, पहले एग्जाम में सबसे पहले हम पहुंचे और ये वाली डेस्क उठा करके पीछे ले जाते, क्योंकि पर्ची तो चिपका दी गई है, ठीक है, ले जाके अड़सा देते थे पीछे, ठीक है। ना मैडम हमें तो ऐसे ही मिला था टेबल, हम तो आखिरी में है, अब हम नहीं जाएंगे आगे, ठीक है। तो टीचर भी परेशान, यार अब पीछे से टेबल ला के इधर कौन रखे, चलिए इधर से इधर ही कर देते हैं। तो जो सेकंड नंबर पे बैठा होता उसका और कट जाता है, वो सोचा होता चलिए आगे वाले पर ध्यान रहेगा, पीछे वाले पर ध्यान रहेगा, हम घपाघप चीटिंग करेंगे, और घपाघप पहले नंबर पे आ जाते हैं, वो भी फेल, ठीक है। हाँ ओके, सबने ये टेबलें तो जरूर खिसकाई हैं, पर्चियां जरूर हटाई हैं, या चौक से अगर टीचर लिख देता था तो चौक से, जैसे आपका ऐसे नंबर चलेगा, ऐसे नंबर चलेगा तो आपका फ्रंट बेंच आ रहा है, तो आप ऐसे नंबरिंग कर देते थे, ठीक है, या फिर इधर से उल्टा नंबर कर देते थे कि आपका कहीं ना कहीं काम बन जाए, ठीक है। मैं सब जानता हूं।